आपके वालिदैन हयात है ना, वो सब ट्रांसफॉर्मेशंस के भूखे हैं, भिखारी हैं, अल्लाह के सामने भीख मांग रहे होंगे कि या अल्लाह मेरी बच्ची को बदल दे, मेरे बच्चे को बदल दे, बहुत बिगड़ा हुआ है। इस बैच में ऐसे कई माएं हैं, बहुत परेशान है, मुझसे आंख नहीं मिला सकते अपने बच्चों की हरकत की वजह से, शर्मिंदगी से बात कर रहे हैं। उम्र 13 साल, उम्र 15 साल, ऐसी जिन्होंने हरकतें, ये करने के लिए आप पैदा हुए। आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ लें, आप स्टैनफोर्ड में पढ़ लें, और वालिदैन की बद्दुआ है, वालिदैन की दुआ आपके साथ नहीं है, आपके जेब में करोड़ों रुपए रहेंगे, सुकून नहीं रहेगा आपके जिंदगी में, मजे नहीं रहेंगे आपके जिंदगी में, परेशान रहेंगे आप। आज मेरे वालिद नहीं है, तरसता हूं मैं कि ये कामयाबी काश मेरे वालिद देखते तो कितना आनर मिलता। तो यही चीज मैं अगर 20 साल पहले करके दिखाता तो वालिद को इस जमीन पे जन्नत देता मैं, वो नहीं दे पाया। हम लोग किलर्स बन गए हैं, वी आर किलर्स टुडे, वी आर किलिंग आवर पेरेंट्स। जो सुपारी लेकर मारते हैं ना, 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 लेकर मर्डर्स करते हैं, वो एक दफा मारते हैं, सिर्फ एक ही दफा गोली मारते हैं, एक ही दफा छुरे से भोंकते हैं। लेकिन हम लोग रोज मार रहे हैं, एवरी डे मार रहे हैं, जिंदा मार रहे हैं, तकलीफ दे देकर मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? अपनी मां को, अपने बाप को। और मारने के लिए गन नहीं है, हरकतों से मार रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है अपने पेरेंट्स। होटल में नौकर झुक के थैंक यू सॉरी कुछ भी बोलता है तो हम टिप दे देते हैं, थोड़ी सी सर्विस देता है हम थैंक यू बोलते हैं, थोड़ी सी सर्विस देता है हम पैसे दे देते हैं। मां ने कितनी सर्विस दी है, कुछ दिया आपने, कभी थैंक यू कहा आपने? वो टिप भी नहीं चाहती है, वो चाहती भी तो आप ही की कामयाबी, आप ही की अकॉम्प्लिशमेंट्स, आप ही की अचीवमेंट्स, आप ही को ऑनर मिले, आप ही को अवार्ड्स मिले, मरने के बाद करोड़ों रुपए बना लें आप लोग, करोड़ों रुपए बना लें, कसम खुदा के आपको मजा नहीं आएगा वो करोड़ों रुपए में। आप सोचते रहेंगे कि काश मां जिंदा होती, हज पर ले जाता, कार पर बिठाता, पेरिस ले जाता, फलाने जगह ले जाता, लेकिन मां नहीं होती है, बाप नहीं होता है, पैसे पे पैसा मिलता है उस वक्त में। अब आपकी मां जिंदा है, अब आपके बाप जिंदा है, अब रिस्पेक्ट करें। मंजिलें आसान नहीं होती, मंजिल पे पहुंचने के लिए इंसान को अपने अंदर नजरियात चाहिए, प्रिंसिपल्स चाहिए, उसूल चाहिए, ख्वाब देखने का परमिट चाहिए, ख्वाबों को तकमील करने का परसेप्शनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो पहले अपने ख्वाबों को जस्टिफाई कराओ अपने अंदर कि इज इट द राइट फॉर मी टू ड्रीम अबाउट। अगर तुम्हारा कलेजा अंदर से तुम्हें कहता है कि आई अलाउ यू एंड आई सर्टिफाई यू, और मैं तुझे इजाजत देता हूं कि हां तू ये ख्वाब देख सकता है, और जब अंदर से मन की पूरी साइकोलॉजी तेरे साथ खड़ी होगी तो तुझे पता होगा जब हिटे पड़ेंगी आगे जाके, जब रिजेक्शन और सियासतें और पॉलिटिक्स खेली जाएगी तेरे विजन के खिलाफ, तो तेरा अंदर का आप, तेरी अंदर की फौज तेरे साथ खड़ी होगी, तू गिरेगा नहीं उस टाइम पर।